24 घंटे में रिकॉर्ड 7,466 नए मरीज मिले और 175 मौतें हुईं। 1,65,000 से ज्यादा हुए कोरोना मरीज। चीन और ईरान के बाद तुर्की भी पीछे छूटा। दिल्ली में एक दिन में 1,000 से ज्यादा मामले मिले। हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने सीमाएं सील की। जगह जगह ट्रैफिक जैम, लोगों का हंगामा। महाराष्ट्र पुलिस में 24 घंटे में 100 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले। दिल्ली एम्स में 50 नए स्टाफ कोरोना का शिकार हुए। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को गलत बताया। कहा, लद्दाख सीमा विवाद को लेकर पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात नहीं हुई। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ अमेरिका के मिनियापोलिस में हिंसक प्रदर्शन। पुलिस स्टेशन आग के हवाले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिली कानूनी सुरक्षा खत्म करने वाले आदेश पर दस्तखत किए। बारिश होने से दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम सुहाना हुआ। केरल में 1 जून को मॉनसून की दस्तक का अनुमान। और दुनिया भर में 59 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए। अब तक 3,62,000 से ज्यादा मौतें।